फोटो फ्रेम भी कितने कमाल की चीज होती है ना? आप अपने घर में अपने लव्ड वंस का फोटो फ्रेम कहीं पर भी उठा कर रख देते हैं, अपनी पिक्चर्स को कहाँ पे डिस्प्ले करते हैं? आपको पता है इसकी खास चीज और खास सीक्रेट बताती हूँ आपको। जब आप फोटोज लगाते हैं जिनसे आपको हमेशा का रिश्ता रखना है, जो लाइफ लॉन्ग आपके पिलर्स हैं, आपकी स्ट्रेंथ हैं, उनके साथ अपनी फोटोग्राफ को साउथ वेस्ट में लगाएं। खाली उनकी फोटोग्राफ भी ना हो, नहीं तो वो आपको ओवरपावर करेंगे। आपके साथ उनकी फोटो को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए, इससे रिश्ते बिल्कुल धरती की तरह स्टेबल और स्थिर हो जाते हैं। लेकिन जो आपके दोस्तों के साथ आपकी पिक्चर हैं, आपकी फन लविंग पिक्चर्स हैं, कुछ मिनिस्टर्स के साथ पिक्चर्स हैं, वो पिक्चर जिसमें आपकी अप्रिसिएशन या शो ऑफ का फैक्टर है, उसको आप घर की ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए। ईस्ट डायरेक्शन यानी कि उगते हुए सूरज की दिशा, ईस्ट डायरेक्शन मतलब कि उजाले की दिशा, ईस्ट डायरेक्शन मतलब ग्रोथ की दिशा। इस डायरेक्शन में ऐसी तस्वीरें लगाने पर आपकी यश, आपकी आपका फेम या जो आप चाहते हैं जिस ऊंचाई पर पहुंचना, वहां जल्दी से पहुंचेंगे। उस फोटोग्राफ का, उन लोगों का आपको पूरा क्रेडिट और पूरा साथ मिल पाएगा। इसलिए ऐसी तस्वीरें ईस्ट में लगाएं। मैं तस्वीरों पर आपसे लगातार और बातें करती रहूंगी, लेकिन आज आप ध्यान रखिए कि जिनके साथ स्टेबल रिश्ते चाहिए उनकी तस्वीर साउथ वेस्ट में, जिनकी तस्वीर से या जिनकी पर्सनैलिटी से हमें फायदा हो उनके साथ अपनी तस्वीर ईस्ट डायरेक्शन में। इन दो चीजों को समझिए, फर्क को समझिए और फिर अप्लाई कीजिए।